अरशद शरीफ कातिल केस, इमरान खान की बड़ी साजिश सामने आ गई। अरशद शरीफ की वालदा का भी इमरान खान बारे बड़ा बयान सामने आ गया। तफसीलात जानने के लिए पूरी वीडियो देखें और चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जबकि फेसबुक पर लाइक फॉलो कर लें। मकतूल सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो खसूसी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को तहकीकात में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और दीगर चार अफराद को शामिल करने की हदायत करे। खसूसी तहकीकती टीम गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुए उनके बेटे के कत्ल की तहकीकात कर रही है। दरख्वास्त में अरशद शरीफ की वालदा ने पाँच अफराद का नाम लिया है जिन्होंने सहाफ़ी के कत्ल की साजिश और उसको अंजाम देने में मुलविस अफराद के बारे में दावे किए थे और जोर देकर कहा था कि असल मुजरमों के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने के लिए इन अफराद की तहकीकात में शामिल करना ज़रूरी है। उन्होंने पीटीआई के सरबराह इमरान खान, साबिक वफाकी वज़रा फैसल वावडा और मुराद सईद, पीटीआई के हमायती सहाफ़ी इमरान रियाज खान जिनके ठिकाने का फ़िलहाल कुछ पता नहीं है और एआरवाई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल का नाम लिया जिनको तहकीकात में शामिल करने की ज़रूरत है। वालदा अरशद शरीफ ने कहा कि मुनसफाना तहकीकात को अंजाम तक पहुँचाने के लिए ये जीआईटी का फर्ज है कि वो इन अफराद के साथ साथ इस सिलसिले में दीगर दावों की भी जाँच करे।